अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ बकरा ईद स्पेशल शामी कबाब मेरी स्टाइल में। आ जाओ झटपट से इसकी रेसिपी देखते हैं। तो एक शामी कबाब मैं आप लोगों को तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए, बनाए ना एकदम बेहतरीन। तो आप लोग भी बनाइए ये बकरा ईद में, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये वाली रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने 1/4 किलो खीमा ली हूँ। इसे अच्छी तरह से धो के इसका पूरा पानी मैंने निकाल ली हूँ। और शामी कबाब रेडी करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ मसाले बता देती हूँ। तो ये मैंने 2 चम्मच धनिया ली हूँ, ये देखिए, ये मैंने 1 चम्मच जीरा ली हूँ और 1/2 चम्मच शाहजीरा ली हूँ। ये मैंने 1/2 चम्मच तिल ली हूँ। ये मैंने 2 तेज़पत्ते के टुकड़े ली हूँ। ये मैंने 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, थोड़ी सी काली मिरी, थोड़ी सी लौंग, और ये मैंने दालचीनी के कुछ टुकड़े ली हूँ। ये देखिए, 1 अक्खा दालचीनी का टुकड़ा भी आप बड़ा वाला ले सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से बारीक बारीक कर ली हूँ। 1 टुकड़ा मैंने जावित्री ली हूँ और 1 मैंने सूखी लाल मिर्च ली हूँ। इन सब को हम भून लेंगे और उसके बाद में इसका एक पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, हमारा शामी कबाब का मसाला रेडी हो चुका है। ये आप ज़्यादा बना के भी एक डब्बे में पैक करके इसे रख सकते हैं, और जब भी आपका मन हो गया शामी कबाब बनाने के लिए तो ये मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। एक कुकर ले लेंगे, उसके अंदर मैं ये खीमा डाल दूँगी। दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक अपने अंदाज से, पांच हरी मिर्च, 1 मैंने मीडियम साइज की प्याज ली हूँ, उसे बीच में से ऐसे कटिंग कर लेना है, और ये ऐसे ज्यादा मोटा हमें कटिंग कर डालना है। एक मीडियम साइज का आलू लेंगे, उसे छील लेंगे और ये भी हम इसमें डाल देंगे। और ये जो हमने मसाला बनाए थे शामी कबाब का, वो भी मैं डालूंगी 2 चम्मच। और मेरे पास में जायफल पाउडर था, इसलिए मैंने इसमें जायफल नहीं पीसी। अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा जायफल इसमें डालकर पीस सकते हैं। तो ये जायफल पाउडर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। जैसे कि मैंने 1/4 किलो खीमा ली थी, वो हिसाब से मैंने 2 कप चने की दाल को भिगो के रखी थी 1/2 घंटे के लिए। अब ये चने की दाल भी डाल देंगे।
इसमें हम एक चम्मच तेल भी डालेंगे। और मैं इसमें डालूंगी आधा गिलास पानी। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी कुकर का ढक्कन लगाएंगे। अभी हम गैस को ऑन कर देंगे और कुकर रख देंगे और हम 5 सीटी ले लेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे, अच्छे से वाफ निकाल लेंगे पूरी। फिर उसके बाद में कुकर खोलेंगे, देखते हैं। पूरा धुआं आ रहा है। ये देखें, हमारा खीमा भी अच्छी तरह से गल चुका है, हमारे बटाटे भी अच्छे से गल चुके हैं, दाल भी अच्छे से गल चुकी है। अभी हम इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे, उसके बाद में हम मिक्सर में पीस लेंगे इसे। मैं बताती हूँ आप लोगों को, ये जो हमारा मसाला है शामी कबाब का, ये अभी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अभी हम इसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्सर के जार में डाल लेंगे और इसे पीसेंगे। तो एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ, अगर आपको पीसने में कोई भी प्रॉब्लम हुई, जैसे कि खीमा है नहीं पीसे जाएगा, तो आप इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच तेल डाल सकते हैं। तो इससे जैसे हमारा मिक्सर में पीसने में आसानी होगी। ऐसे तो पीस ही जाएगा आसानी से, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए, हमने अच्छे से पीस के ले लिए हैं। ये देखिए, एकदम अच्छे से पीस के हो चुका है। अभी हम इसके अंदर मेरी स्टाइल में कुछ मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जो मैंने मसाला आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई थी पकाने के समय डालने के लिए, हम अभी ऊपर से भी डालेंगे। और ये मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली हूँ बारीक बारीक कटिंग करके। ये हरी मिर्च ली हूँ थोड़ी सी, आप अपने अंदाज से लीजिए हरी मिर्च। और ये थोड़ा सा पुदीना बारीक कटिंग करके, और ये थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटिंग करके, ये भी हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो ऐसे भी शामी कबाब बना सकते हैं, मगर ये स्टाइल में बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब भी हम डालेंगे। ये सब डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा लगा लेंगे हाथ पे तेल अच्छे से, और फिर हम कबाब बना लेंगे। ऐसे आपको जो साइज के कबाब चाहिए वो साइज के आप बना सकते हैं। ऐसे करके आप सारे कबाब बना लीजिए। और शामी कबाब जो होते हैं वो एकदम पतले नहीं होते, थोड़े मोटे होते हैं। तो ये देखिए ऐसे, अभी हम सारे कबाब बना लेते हैं फिर आपको बताते हैं। ये हमारे सारे शामी कबाब बना के हो चुके हैं। आइए अभी हम इसे फ्राई करना देखते हैं। एक मैंने अंडा ली हूँ, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसे अच्छे से फेंक ली हूँ। एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, यानी 2 चम्मच तेल डालना है, और उसे गरम कर लेंगे अच्छे से। शामी कबाब को हम अंडे में ऐसे डिप कर लेंगे अच्छे से, और ये इसे धीरे से ऊपर ऐसे छोड़ेंगे।
5 मिनट के बाद हम इसे पलट देंगे। हमें ऐसे ही अलट पलट करके हमें सारे कबाबों को पका लेना है। गैस हमें मीडियम रखना है, ज्यादा फास्ट नहीं। आप चाहे तो बगैर अंडा लगाए भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो ये हमारा शामी कबाब हो चुका है। इंशाल्लाह आप भी बनाओ और दुआ में याद रखना। और इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मुझे यूट्यूब पे फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो और अच्छे अच्छे कमेंट भेजो। और आ जाओ खाने के लिए।